श्री शंकर सेविया पवार, आप द्वारा अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के माध्यम से हजारों गरीबों एवं दृष्टिहीनों को रोशनी देने का काम किया गया है। शिक्षण सेवा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री माधव शंकर पाठक, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से विधिक जागरूकता एवं महिला उत्पीड़न बाल संरक्षण के साथ साक्षरता के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री कुणाल सिंह, आप हिंदी रंगमंच के नामचीन कलाकार हैं एवं भोजपुरी सिनेमा के महानायक के रूप में हिंदी एवं भोजपुरी साहित्य को विश्व पटल पर सिनेमा के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री राठौर हरि सिंह नासरू, आप उपेक्षित एवं विमुक्त समाज में अनेकों हिंदी व मराठी लेखन के माध्यम से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्रीमती कनिका मैती, आपको हिंदी एवं बंगला में पद्य साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री डॉक्टर सत्यनारायण दासा, आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा एवं भारतीय साहित्य का विश्व में अनेकों देशों में जीवा संस्थान के माध्यम से निरंतर प्रचार प्रसार करने के कारण आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। डॉक्टर अर्चिका सुधांशु, आप हिंदी साहित्य के विभिन्न आयामों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर श्री शक्ति मंच के माध्यम से निरंतर प्रचारित व प्रसारित करने एवं नारी जागरूकता के कारण आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री रामवीर शौकीन, आप वृद्ध एवं निःशक्त जन व्यक्तियों के जीवन स्तर के समुन्नत विकास में सतत लगनशील हैं। आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री शेखर रेड्डी, आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में श्रम विद्या में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री राठौर कैलाश धर्मा, आप उच्च शिक्षण अभियांत्रिकी एवं चिकित्सकीय शिक्षण में हिंदी के योगदान के लिए विशिष्ट कार्य करने के कारण आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। श्री चवन रामदास जयसिंह, आप मगास एवं कृषि समाज में अनेकों माध्यम से हिंदी व मराठी साहित्य के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए ख्याति प्राप्त कन्नरों के कारण आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। अब मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उपस्थित अतिथियों को संबोधित करने का कष्ट करें। डॉक्टर जी पी शाही कौशिक, श्री अंजनी कुमार राजू, देवियों और सज्जनों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सम्मान समारोह की इस अवसर पर मुझे आपके समक्ष उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। दिनकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि और लेखक थे। उनकी कविताएं चेतना से भरपूर थी
पीर रस की उनकी कविताओं से हम सभी परिचित हैं। उनकी कविताओं ने आज़ादी के लड़ाई में युवाओं में जोश भर दिया था। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण से अपना योगदान दिया और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनके इस योगदान के लिए सरकार ने उन्हें वर्षी 1959 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। साहित्य सेवा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। वे कई वर्षों तक संसद सदस्य रहे और संसद में उनके चित्रों का स्थान देकर सम्मानित किया गया है। दिनकर जी सही मायने से एक राष्ट्रकवि थे। उनकी कविताएं हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शिक्षा देती हैं। वे रविंद्रनाथ टैगोर और इकबाल से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कई रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। साहित्य समाज का दर्पण है और ये समाज की प्रगति का भी परिचय देता है। ये खुशी का बात है कि भारतीय भाषाओं ने बहुत अच्छे साहित्य की रचना हो रही है। मुझे विश्वास है कि भारतीय साहित्यकार अपने देश का नाम दुनिया भर में और रोशन करेंगी। अंत में मैं आज दिनकर साहित्य रत्न सम्मान पाने वाली सभी लेखकों को बधाई देता हूँ। मैं इस पुरस्कार के आयोजक इंद्रप्रस्थ मीडिया इंटरनेशनल इंद्रप्रस्थ इंडिया इंटरनेशनल को भी इस प्रयास के लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।